हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था नर्स्ट इक्वेशन को, और नर्स्ट इक्वेशन जहां पे यूज होता है, आई टोल्ड यू इट इज यूज टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एज वेल एज द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके ऊपर हमेशा आते हैं न्यूमेरिकल्स, चाहे एग्जाम कौन सा भी क्यों ना हो। देखिए, तो थ्योरी के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं एग्जाम में, ये हम जानेंगे पहले एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। बोर्ड पे लिखा है मैंने ये न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। यहाँ पे जो वोल्टेज है इसका मतलब है हमें निकालना है उसका सेल पोटेंशियल। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक सेल दिया है, आई मीन इट्स अ सेल फॉर्मूला। अभी सेल फॉर्मूला के रूल्स क्या है ये तो आप जान गए होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर, E नॉट SN का यहाँ पे वैल्यू दिया है, ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द SN, और आई विल से हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN, एंड इन द सेम वे यहाँ पे हमें दिया है सिल्वर का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिमेंबर दिस वैल्यूज आर ऑलवेज गिवन एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इन द एग्जाम। ठीक है, चलिए हमें यहां पे फाइंड करना है सेल पोटेंशियल को। तो सबसे पहले हमें क्या लगेगा, वी नीड हियर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है आपको पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यस, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, यस, रिडक्शन एट कैथोड। पहले तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे कैथोड कौन सा है। देखिए, यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा रिडक्शन। यू नो दैट ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द एनोड एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द कैथोड। तो यहाँ पे ये है कैथोड, सो ई नॉड ए जी, ठीक है, माइनस ई नॉड, यस, ऑफ एस एन वी हैव टू राइट। देखिए, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था आपको कि गैल्वानिक सेल जब भी होता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता है इलेक्ट्रोड वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, और जो होता है राइट हैंड साइड में वहां पे होता है रिडक्शन। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। तो इस तरीके से जो ई नॉट सेल का फॉर्मूला है आपको पता है, सो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यस, E नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया है, और आपको जो भी वैल्यूज दिए जाएंगे वो रहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज। अगर उनको देना है वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यहां पे वो मेंशन होगा। ठीक है, चलिए अभी ये वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में। सो ई नॉट सेल, देखिए जो वैल्यू है ए जी का क्या दिया है हमें, 0.800 वोल्ट, यस, माइनस एस एन का क्या दिया है वैल्यू यहां पे, माइनस 0.136, ये है दिया वोल्ट में। सो 0.800 वोल्ट प्लस 0.136 वोल्ट्स, सो 0.936 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है, चलिए अभी हमें ये वैल्यू मिल गया है, हमें यूज करना है नर्स्ट इक्वेशन को। तो पहले हमें जानना होगा कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे। सो फॉर दिस आई टोल्ड यू हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन बाय यूजिंग द सेल फॉर्मूला। सो फ्रॉम द सेल इट इज क्लियर दैट कि एस एन पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो एस एन इट विल लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पे चार्ज कितना है प्लस टू, सो एस एन इट विल लॉस टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एस एन टू प्लस, जो कि है यहां पे एक्वस। ठीक है, और यहां पे 0.02 मोलर है उसका कॉन्सेंट्रेशन। ये यहां पे हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का पार्ट। ठीक है, इन द सेम मैनर वी कैन राइट हियर ए जी प्लस, ठीक है,
एक्वस की जगह पे अगर आपने यहां पे मेंशन किया कि ये 0.02 मोलर वाला है तो भी चलेगा, ठीक है। एजी प्लस 0.01 मोलर, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आपको देखना ये है कि यहां पे चार्ज कितना है, यहां पे चार्ज यह है प्लस 1, इसलिए हमने ऐड किया है बस एक ही इलेक्ट्रॉन को। सो एजी प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव हियर एजी, ठीक है। और ये है सॉलिड, ये हुआ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन एनी रिडॉक्स रिएक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस तो दो है लेकिन गेन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो दोनों को आपको इक्वल करना होगा, और इसीलिए इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं अभी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। सो आई विल राइट हियर 2, 2 एंड 2। अभी मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, सो SN सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस 0.01 मोलर। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ये हो जाएंगे कैंसल, तो इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल हियर, रिमेंबर, ठीक है। एंड देन SN 2 प्लस 0.02 मोलर प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड, ये है नेट सेल रिएक्शन, इजंट इट। चलिए, अभी हम लोगों ने यहां पे रिएक्शन को लिखा है। नाउ द नर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू यूज, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। देखिए, सेल पोटेंशियल या फिर वोल्टेज यू कैन से इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यस, क्या आएगा यहां पे SN2 प्लस, SN2 प्लस, एज आई टोल्ड यू Ag का हम लोग यहां पे कितना लेंगे, इट इज टेकन एज अ यूनिटी, सो इसका यहां पे टर्म नहीं आएगा। सिमिलरली ये हमने जो लिखा है ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यू नो प्रोडक्ट्स, तो यहां पे सिर्फ आएगा SN2 प्लस का ही। एट द सेम टाइम एट द डिनोमिनेटर यहां पे आएगा Ag प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन याद रखिएगा यहां पे जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये जाएगा पावर पे, सो यहां पे हमें रेस टू 2 भी लिखना होगा। ऑब्वियसली मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है SN सॉलिड इसका वैल्यू हम लोग लेंगे यूनिटी, इसलिए मैंने यहां पे उसको लिखा नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, ई नॉट सेल का जो वैल्यू है ये है 0.936 माइनस 0.0592। देखिए ये वैल्यू जो आता है ये रहता है वोल्ट में, सो आई विल राइट हियर वोल्ट आल्सो, ठीक है। सो डिवाइड बाय जो यहां पे एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे है 2, सो आई विल राइट हियर 2, ठीक है। नाउ लॉग टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SN2 प्लस आयन, क्या है इसका वैल्यू, यस SN2 प्लस का है 0.02। चलिए आई विल राइट हियर 0.02 अपॉन Ag प्लस का है वैल्यू दिया हुआ 0.01 रेस टू 2 जो है यहां पे, ठीक है। 0.936 माइनस, यस 2 0 0 2 0 0 2 2 4, 0.0296 वोल्ट्स, यहां पर लॉक टू द बेस 10 ऑफ, ठीक है, ये भी वैल्यू यहां पे वोल्ट में ही है, डोंट फॉरगेट, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो इन वोल्ट, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए मैं लिखता हूं 2 × 10⁻²− 2, एंड हियर आई विल राइट 1 × 10⁻²− 2, और इसका है यहां पे स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे जाके यस 0.936 वोल्ट माइनस 0.02
296 वोल्ट्स, लॉग टू द बेस 10 ऑफ, क्या आएगा यहां पे? देखिए यहां पे जो पावर है ये हो जाएगा 10^-4, और अगर मैं इसको लाता हूं ऊपर तो देखिए मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 2 × 10^-2, और ये जो है 10^-4 इसको मैं अभी ऊपर लेके आ रहा हूं तो यहां पे हो जाएगा 10^-4, सो 0.936 वोल्ट्स माइनस 0.02296 वोल्ट लॉग टू द बेस 10 ऑफ, ये यहां पे जो है ये माइनस था एट द डिनोमिनेटर, लेकिन ऊपर जाके ये हो जाएगा प्लस, सो ऑब्वियसली यहां पे 10^4 माइनस 10^2 हो जाएगा 10^2, तो इसका वैल्यू आएगा लॉग ऑफ 200, क्योंकि 100 × 2 यहां पे आ जाएगा 200. अभी आपको इसका देखना है लॉग, 0.936 वोल्ट माइनस 0.0296 वोल्ट, और यहां पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आएगा 2 और 20 का 0 में, मेरे ख्याल से इसका वैल्यू आपको जो मिलेगा ये है 3010, am I right? एक पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग मुझे देना पड़ेगा, 20 का 0 में थ्री जीरो वन जीरो, आई टोल्ड यू, ठीक है. चलिए आगे, 0.936 वोल्ट माइनस, देखिए यहां पे है मल्टीप्लीकेशन, हमें यहां पे करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आप लोग साइड में कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ द लॉग बुक, और ये अगर आपने लॉग टेबल से सॉल्व किया तो इसका वैल्यू मेरे ख्याल से आएगा, चलिए हम लोग यहां पे कर ही लेते हैं साइड में, एंड देयर इज अ नो प्लेस, एक सेकंड मैं अभी आपको करता हूं, लॉग ऑफ 0.0296 का लॉग प्लस लॉग ऑफ 2.3010, कैटिस्टिक यहां पे आएगा बार 2, 29 का आप लोग देखोगे 6 में ये वैल्यू आता है 4713, और यहां पे कैटिस्टिक आएगा 0, आपको देखना है 23 का 0 में एंड मीन डिफरेंस ऐड करना है 1 का, 23 का 0 में आता है 3617, मीन डिफरेंस है 1 का वो है 2, सो 3619 बार 2, देखिए ये आ रहा है वैल्यू बार 2 0.8332, आपको देखना है एंटी लॉग, यस एंटी लॉग आपको देखना है 0.83 का, देखिए 0.83 का 32 में, 0.83 का 32 में जो वैल्यू आएगा ये है 6808, मीन डिफरेंस आपको देखना है 2 का और वो है 3, सो 6811 ये आएगा इसका आंसर, सो आंसर विल बी हियर 6811 ये आ रहा है, और यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है बार 2, सो इसका वैल्यू आएगा 0.06811, ऑब्वियसली ये भी आएगा वोल्ट में. चलिए ये अगर हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्शन साइड में, तो 0.936 माइनस 0.06811 ये आ रहा है मेरा आंसर 0.86789 वोल्ट में, सो दिस इज द वैल्यू, यस 0.8679 यहां पे है, मतलब हमारा आंसर जो है ये एक्यूरेट है, नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. देखिए प्रैक्टिस होने से, प्रैक्टिस करने के बाद ये काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसके लिए लॉग और एंटी लॉग में
आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, नाउ वी हैव टू सी हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड बाय यूजिंग द नर्स इक्वेशन अगेन, ठीक है। तो यहां पे आपको दिया है जिंक का इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल आपको दिया है -0.76 वोल्ट्स, ठीक है। यह है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, या फिर वी कैन से इट एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। सो जो भी हमें यहां पे रिएक्शन लिखना होगा ये कुछ आएगा इस तरीके से, Zn2+ हैविंग 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म जिंक सॉलिड। ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो जो फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना होगा ये है यू नो पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ई नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ जिंक -0.0592 अपॉन एस एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ जिंक। इसका वैल्यू क्या आएगा, ऑब्वियसली ये है इन अ सॉलिड स्टेट तो इसके लिए वैल्यू आएगा 1 एट द डिनोमिनेटर देयर शुड बी वी हैव टू राइट Zn2+ का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी देखिए जो यहां पे दिया है ई नॉट जिंक का वैल्यू ये है -0.76 वोल्ट्स, 0.0592 अपॉन एन का वैल्यू यहां पे है 2 और ये भी आएगा वोल्ट में, लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 अपॉन जिंक का क्या दिया है यहां पे वैल्यू 0.02 दिया है, सो 0.02, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर एज, इसके लिए मैं चाहिए तो लिख सकता हूं 2 × 10⁻²-2, सो फॉर आवर कन्वीनियंस पर्पज ओनली 2 × 10⁻²-2। चलिए आगे -0.76 वोल्ट्स -0.0592/2 वोल्ट लॉग टू द बेस 10 ऑफ यस 1/2 के लिए मैं लिखता हूं यहां पे 0.5 और ये जो है 10⁻²-2 अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻²-2, सो दिस वैल्यू विल बी देयर, ओके। 0.76 ये है माइनस, ऑब्वियसली माइनस है ये 0.76 वोल्ट्स, इसके लिए जो वैल्यू आएगा आपको पता है यस 200 200 2 2 4 यस 2 9 एंड यहां पे आएगा 6, ठीक है। और 100 × 0.5 इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, यस ये है वैल्यू यहां पर 50, ठीक है। सो यू नो -0.76 वोल्ट्स -0.0296 वोल्ट एंड हियर कैरेक्टरिस्टिक विल बी 1, आपको देखना है 50 का 0 में लॉग क्या आएगा, 50 का 0 में जो लॉग आएगा 6990, ये हमें यहां पे करना पड़ेगा साइड में। सो लॉग ऑफ 0.0296 प्लस लॉग ऑफ 1.6990 ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आएगा 2/2, आपको देखना पड़ेगा 29 का 6 में लॉग, फोर सेवन वन थ्री आ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए ऐसे जो लॉग हमें बार बार देखने पड़ते हैं इसको आप कई प्रकार से नोट डाउन कर सकते हो, लॉग ऑफ
0.0296 is equal to, yes, bar 2, 4713, इससे हमारा टाइम बचेगा, ठीक है ना, प्लस यहां पे आएगा 0 कैरेक्टरिस्टिक, आपको देखना है 16 का 99 में अगर लॉग देखना है तो इसका वैल्यू आता है 2279 और 9 का डिफरेंस है 24, सो 2279 प्लस 24 2303, 3 plus 3 is 6, 1 plus 0 is 1, 7 plus 3 is 10, 4 plus 1 is 5, plus 2, 7 and bar 2. इसका आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा एंटी लॉग. 0.70 का आप देखोगे 1 में, 0.70 और उसका वैल्यू आता है यहां पे 5023, मीन डिफरेंस है यहां पे 6 का और वो है 7, मतलब 5030, ये आ रहा है वैल्यू, मतलब 5.030 into 10 days to minus 2, और वी कैन से यार 0.05030 ये आएगा इधर, ठीक है. सो माइनस 0.76 माइनस 0.05030, सो माइनस 0.76 माइनस 0.05030, आंसर इज माइनस 0.8103, ठीक है, ये आ रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ जिंक, ऑब्वियसली यूनिट आएगा इसका वोल्ट. ओके, नोट डाउन दिस थिंग प्रॉपरली. ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी न्यूमेरिकल का पार्ट है ये हम लोग बाद में भी लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, बट अभी कुछ जो थ्योरी पार्ट बचा है ये पहले हम लोग कवर कर लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर, थर्मोडायनामिक्स ऑफ अ गैल्वानिक सेल, और इसमें है गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल. देखिए थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है रिलेशनशिप, अभी ये आपको इधर समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ फिलहाल अब हम यहां पे बात करेंगे गिब्स एनर्जी की एज वेल एज इलेक्ट्रिकल वर्क की. यू नो दैट जो भी होता है यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क इन अ गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन गैल्वानिक सेल is the product of amount of electricity, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे charge, I will write here, multiplied by सेल पोटेंशियल. सो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू, यस, अमाउंट ऑफ द चार्ज इनटू सेल पोटेंशियल. स्टूडेंट्स आपको तो पता है द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज 1 फैराडे. ओके, देयरफॉर अगर वहां पे है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इनके ऊपर का जो चार्ज आएगा ये आएगा एन इंटू फैराडे. सो आई विल राइट हियर
चार्ज प्रेजेंट ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन फैराडे. देयरफोर अमाउंट ऑफ द चार्ज, अमाउंट ऑफ द चार्ज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फैराडे. और इसका जो आएगा यहां पे यूनिट, ये आएगा कूलोम में. सो जो है यहां पे इलेक्ट्रिकल वर्क, इसके लिए अभी हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ द चार्ज के लिए एन इंटू एफ हम लोग यहां पे लिखेंगे. ओके, एट द सेम टाइम सेल पोटेंशियल के लिए जो सिंबल है ये है ई सेल. अभी इसके लिए मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर वन. साइंटिस्ट जो थे गिब्स कंक्लूडेड दैट यस दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी. ये अगर मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन तो मैं यहां पे लिखता हूं यस इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, क्योंकि यहां पे है डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी. सो ये मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर टू. अभी आप यहां पे देखोगे इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्या लिखा है मैंने. सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट यस माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन इंटू एफ इंटू यस ई सेल. ओके, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई सेल. इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, इफ कंडीशंस आर स्टैंडर्ड देन वी कैन राइट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल. आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंडर्ड कंडीशन. यस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे मस्ट बी इन द प्योर फॉर्म एज वेल एज 1 मोलर होना चाहिए इनका कॉन्सेंट्रेशन. तो ये है सब वो कंडीशंस. नोट डाउन दिस थिंग प्रॉपरली. अभी ये हमारे लिए है नया एक फॉर्मूला, हमें डिराइव किया है इसको, इसके ऊपर भी हमें सॉल्व करने होंगे न्यूमेरिकल्स. नोट डाउन द थिंग्स प्रॉपरली. देखिए फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है व्हाई ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है. लेट मी टेल यू द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाइल द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट आर नोन एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. देखिए आपको पता है जो इक्वेशन अभी हमने लिखा है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल. ठीक है, अभी देखिए इसमें जो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू है
change in the Gibbs energy, it is obviously an extensive property because it depends on the amount of the substance. Okay? But in the stoichiometric equation of redox reaction, if we multiply the equation by the 2, then the amount of the substances get oxidized or reduced also be multiplied with the 2. Okay, at the same time, number of moles of electrons जो भी होंगे redox reaction में, इसको भी हम लोग 2 से ही multiply करेंगे. इस equation में अगर मुझे लिखना है E naught cell के लिए value, then I can write E naught cell is equal to delta G naught divided by N into F. Obviously यहाँ पे minus sign तो आएगा. यह है normal equation. देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में जो भी हमें मिलेगा स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा यहां पे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, दे विल आल्सो गेट डबल, एंड डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू यहां पे है ये भी फिर हो जाएगा डबल. सो आई विल राइट हियर डेल्टा जी नॉट इंटू 2. At the same time, I told you, जो भी यहाँ पे number of moles of electrons involved होंगे उस redox reaction में, इसको भी हमें 2 से ही multiply करना होगा. फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 into N into F. So, जो यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा cancel, और हमें वापस एक बार वही तो equation मिलेगा, delta G naught divided by N F. So, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इट्स वैल्यू विल बी सेम. दैट्स व्हाई हियर डेल्टा सॉरी ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बीच में क्या है रिलेशनशिप. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप. यस, वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एफ एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल. ये अभी हमने डिराइव किया है, आपको पता है यहां पे डेल्टा जी नॉट जो है ये है गिब्स एनर्जी, आई मीन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ यहां पे है फैराडे, एंड ई नॉट सेल जो है इट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो राइट द इक्वेशन हियर फॉर द डेल्टा जी नॉट एंड के हियर. यस, द रिलेशनशिप between delta G naught and equilibrium constant K can be given by delta G naught is equal to minus RT ln K. ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे again डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, आर यहां पे जो है ये है मोलर गैस कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड जो यहां पे है के ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसके लिए मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट हियर यस माइनस N into F E naught cell
is equal to minus RT ln K, ठीक है, जो माइनस साइन है दोनों तरफ का ये निकल जाएगा यहां पे, और फिर बचेगा n into f e not cell is equal to RT ln K. देखिए फिर e not cell के लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं e not cell is equal to RT upon nf ln K. अक्सर हम लोग जो भी यहां पे करते हैं कैलकुलेशंस, हमें लगता है लॉग बुक, और जो यहां पे बेस होता है लॉग बुक का वो होता है लॉग टू द बेस 10, और यहां पे है लॉग टू द बेस e. इसे हमें करना होगा कन्वर्ट लॉग टू द बेस 10 में, और इसके लिए मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ. यहां पर अभी देखिए बेस हो गया चेंज और ये आएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ के. अभी ये है e नॉट सेल का वैल्यू. सो इस तरीके से हमें यहां पे इनके बीच में क्या है रिलेशनशिप ये मिल जाएगा. रिमेंबर अगेन हियर आई रिपीट, e नॉट सेल यहां पे है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, r इज मोलर गैस कांस्टेंट, t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पे कंडीशंस की, स्पेशली एट अ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो T का वैल्यू होना चाहिए यहां पे 298, आपको पता है. सो द वैल्यू ऑफ T इज 298 केल्विन. R इज यू नो दैट 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एंड द वैल्यू ऑफ F इज यू नो दैट 96,500 कूलम्स, एंड N तो डिपेंड करेगा रिएक्शन के ऊपर. ओके, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करता है n, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो आपको यहां पे और एक इक्वेशन मिलेगा, e नॉट सेल इज इक्वल टू देखिए 2.303 इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ. ये वैल्यू पुट करने के ऊपर आपको 0.0592 अपॉन एन लॉग द बेस 10 ऑफ के, ये और एक फॉर्मूला यहां पर मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड दिस इज द इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन बिटवीन ई नॉट सेल एज वेल एज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. ठीक है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं हमें एग्जाम में, हम लोगों अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक. Now, let's see here the problem which is based on the formula which we had derived just right now. ठीक है, अभी जो हमने formula derive किया है इसी के ऊपर ये है numerical हमें दिया हुआ. चलिए देखते हैं इसे कैसे solve करना है. Calculate the standard Gibbs energy change and the equilibrium constant at 25 degree Celsius for the cell reaction. तो जो भी आपको यहां पे निकालना है, ये वैल्यू है डेल्टा जी नॉट, ये है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, और आपको यहां पे निकालना है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वेल. टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे आपको एक सेल रिएक्शन दिया है, साथ ही साथ यहां पे आपको दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम जो कि है -0.403 वोल्ट, एज वेल एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN ऑल्सो इट्स वैल्यू इज -0.136 वोल्ट. सो देखिए यहां पे हमें दिए है दो सेल्स, द सेल कंसिस्ट ऑफ कैडमियम 2+ यस, aqueous, and the single vertical line cadmium solid, and yes dusra yahan pe jo hai ye hai SN2+ aqueous, fir yahan pe aayega SN solid, aapko pata hai ye hai iska representation. So
The sale consists of. The sale consists of these two electrodes. Of these two electrodes, I will write here. These two electrodes. अभी देखिए हमें यहां पे जो दिया है इनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल SN का वैल्यू ज्यादा है. सो आई विल राइट हियर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN 2 प्लस SN इज मोर than cadmium 2 plus and cadmium. Therefore, SN 2 plus SN is cathode. देखिए ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपको दो अलग अलग दिए हैं यहां पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल के वैल्यूज. ओके आई विल राइट हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज. तो ऐसे में आपको कंपेयर करना है और जो वैल्यू आएगा ज्यादा वो क्या होगा, वो रहेगा यहां पे कैथोड. तो इसका मतलब ये हुआ कि SN यहां पे है कैथोड और जो है कैडमियम ये है यहां पे एनोड. एंड नाउ यू नो दैट व्हाट इज द सेल फॉर्मूला, आई मीन हाउ टू राइट द सेल फॉर्मूला. तो कैडमियम पे यहां पे क्या होगा, कैडमियम सॉलिड. ठीक है, इट विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कैडमियम 2 प्लस आयंस जो कि है यहां पे एक्वस. देन देर शुड बी डबल वर्टिकल लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द यू नो सॉल्ट ब्रिज. फिर बाद में यहां पे हमें लिखना होगा SN 2 प्लस एक्वस एंड देन SN सॉलिड वी कैन राइट हियर, इजंट इट. सो इस तरीके से हम इसको यहां पे लिख सकते हैं. तो ये रहा यहाँ पे सेल फॉर्मूला. जाहिर है यहाँ पे कैडमियम पे होता है ऑक्सीडेशन और SN जो है यहाँ पे होता है इधर रिडक्शन. ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे हमने लिखा है इसका सेल फॉर्मूला क्या है. अभी हमें ये बात यहाँ पे वापस ध्यान में रखनी है कि जो अगर आपको दो दिए हैं वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको दोनों में कंपेयर करना है और जो वैल्यू ज़्यादा आएगा वो रहेगा कैथोड. ठीक है, तो यहां पे SN का वैल्यू ज्यादा है. ओके दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज अ कैथोड. नाउ लेट्स फाइंड आउट हियर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट. आपको पता है इसके लिए जो फॉर्मूला है, यू नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस N इंटू F इंटू ई नॉट सेल. यहां पे हमें ई नॉट सेल का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट यस कैथोड माइनस ई नॉड एनोड, आई मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस दैट ऑफ द एनोड. तो यहां पे जो कैथोड का वैल्यू ये कौन सा आएगा, ऑब्वियसली जो है SN का वैल्यू. सो माइनस 0.136 वोल्ट्स माइनस जो वैल्यू यहां पे है एनोड का वो है 0.403. रिमेंबर दीज आर द वैल्यूज ऑफ ओनली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिन्हें हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, दे आर जनरली नोन एज अ ओनली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. सो हियर माइनस 0.136 प्लस यहां पे आएगा 0.403. ओके सो 13 माइनस 6 इज 7. देन यहाँ पे देखिए 0.403 से आपको ये माइनस करना है ना यहाँ पे. सो 13 माइनस 6 इज 7 हियर. 9 माइनस 3 इज 6. 3 माइनस 1 इज 2. सो वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट वैल्यू विल बी हियर माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 0.267. ये आएगा यहाँ पे ई नॉट सेल का वैल्यू, ये आएगा वोल्ट में. तो चलिए ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है. नाउ लेट्स राइट दिस फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज अगेन हियर. डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन. यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चार्जेस देखिए एन का चार्ज है प्लस 2. सो कैडमियम इट विल लॉस 2 इलेक्ट्रॉन एंड द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन SN 2 प्लस इट विल गेन. तो यहाँ पे जो एन का वैल्यू है ये आएगा इधर 2. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व
in the redox reaction will be equal to 2 here. So delta G naught is equal to minus N. N ka value yahan pe hai 2. For Faraday we can write here 96,500. And for E naught cell we can write here 0.267. Okay, so minus 96,500 into 0.5344 ठीक है. तो माइनस अभी यहां पे चलिए मैं लेता हूं यहां पे लॉग लॉग से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको. 96,500 प्लस लॉग 0.534 ठीक है. माइनस साइन को मैं रखता हूं साइड में. यहां पे क्या आएगा कैरेक्टरिस्टिक लेट मी चेक हियर लॉग बुक. देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 4. आपको देखना है 96 का 5 में मीन डिफरेंस आपको ऐड करना है और वो है 0 का. सो 96 का 5 में नाइन एट फोर फाइव आ रहा है वैल्यू और मीन डिफरेंस 0 मतलब क्या है तो कुछ है ही नहीं. सो 9845 प्लस यहाँ पे कैटिस्टिक आएगा बार 1 आपको देखने का है 53 का 4 में. 53 का 4 में जो वैल्यू आता है ये है इधर 7275. सो माइनस साइन को हम लोग यहाँ पे बाहर ही रखेंगे. 5 प्लस 5 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 7 12, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 7 17 एंड 1 कैरी. सो 5 माइनस 1 इज यहाँ पे आएगा 4. सो ये यहाँ पे देखना है आपको इसका क्या आएगा एंटीलॉग. एंटीलॉग ऑब्वियसली आप लोग देखोगे 0.71 का 2 में. 0.71 का 2 में वैल्यू आ रहा है 5152. मीन डिफरेंस 0 है मतलब आंसर हमारे यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ यस 5152. ऑब्वियसली यहाँ पे 5.152 इंटू 10 डेज टू क्या आना चाहिए वैल्यू यस इंटू 10 डेज टू 4. सो 51520 ये आएगा जूल्स में. तो अगर हमने इसको देखिए साइन तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा माइनस साइन यहाँ पे है उसको हम लोग रखेंगे एज इट इज. सो आई विल राइट हियर विद द माइनस साइन. यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ माइनस साइन. सो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपको मिलेगा वैल्यू यस माइनस 51.520 और ये वैल्यू आएगा फिर किलो जूल में. याद रखिएगा यहाँ पर हमने 1000 से इसको डिवाइड किया है ठीक है. चलिए अभी ये वैल्यू हमें मिल गया. अभी हमें क्या फाइंड करना है वी वॉन्ट हियर द वैल्यू ऑफ के एंड द फॉर्मूला फॉर दिस यस ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन एन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ठीक है. आपको के फाइंड करना है. आपके पास ये वैल्यू भी अवेलेबल है. सो पुट दिस वैल्यू हियर. इसका वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है यस 0.267 0.267 इज इक्वल टू 0.0592. ऑब्वियसली यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है ये है 2 एंड लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ठीक है. सो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं मल्टीप्लाइड. सो जीरो पॉइंट फाइव थ्री फोर इज इक्वल टू 0.0592 लॉग टू द बेस 10 ऑफ के हियर ठीक है. देन लॉग टू द बेस 10 ऑफ के इज इक्वल टू 0.534 डिवाइड बाय 0.0592 ठीक है. लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस जो भी यहां पे आंसर आएगा इसका आप लोग देखोगे एंटी लॉग. सो लॉग ऑफ 0.534 आई विल राइट हियर लॉग 0.534 माइनस लॉग 0.0592. सो कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आएगा बार 1 आपको देखने का है यहां पे 53 का 4 में
और ये वैल्यू मेरा आ रहा है 7275, 7275। ठीक है, हमने यहाँ पे भी सॉल्व किया था वैसे। सो 7275 माइनस यहाँ पे आएगा 12 2, आपको दिखने का है 59 का 2 में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये है 7723। सो 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, 12 माइनस 7 इज 5, 16 माइनस 7 9। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, दिस आई विल राइट हियर, आई जस्ट थिंक दैट देर शुड आई नीड सम स्पेस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन आई कैन राइट दिस प्रॉब्लम ऑन दैट साइड। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे हमें मिले हैं यही मैं करता हूँ कैरी फॉरवर्ड ऑन दैट साइड। सो आई विल राइट हियर बार 1 7275 माइनस यस बार 2.7723। सो 5 माइनस 3 इज 2 हियर, 7 माइनस 2 इज 5 हियर, 12 माइनस 7 इज 5 हियर, 6 यहाँ पे बचेंगे, सो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पे हमें पहले एक ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने 6 लिखा है, तो ठीक है जब भी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग करते हैं 16 माइनस 7, सो यहाँ पे आएगा 9, सो ऑब्वियसली हैव टू ऐड हियर 1। सो देखिए -2 + 1 विल बी इक्वल टू -1। सो -1 - -1 मतलब हो गया है वो -1 + 1 = 0। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको 0। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक यू कैन सी हियर -1 - ठीक है, फिर वापस देखिए -1 - यहाँ पे -2 + 1 का जो वैल्यू मिलेगा ये रहेगा -1, तो ये वैल्यू हो गया -1 + 1, ये वैल्यू आपको आएगा 0। सो दिस थिंग इज टू रिमेंबर। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इसका क्या आएगा एंटीलॉग। एंटीलॉग जो देखना है आपको इस यहां पर ये है 0.95 का 5 2 में। सो ये वैल्यू इधर आता है यस 9016, ये आ रहा है एंटीलॉग 0.95 का 5 में, और मीन डिफरेंस जो है ये है 2 का, ये है 4, मतलब 9020 यहां पे मुझे मिल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक यहां पे है 0, सो 0 + 1 इज 1, सो 9.020 ये वैल्यू हमें मिल रहा है, एंड दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। सो लॉग टू द बेस 10 ऑफ के इज इक्वल टू 9.020 ये हमें मिला इसका वैल्यू। ऑब्वियसली ये लॉग है तो अगर हमें फाइंड करना है सिर्फ के का वैल्यू, तो ये जो लॉग है इधर आने के बाद हो जाएगा एंटी लॉग। सो विल राइट हियर एंटी लॉग ऑफ 9.020। तो ठीक है 0.02 का फाइंड करना है आपको एंटी लॉग 0 में, 0.02 का 0 में वैल्यू यहां पे मिल रहा है 1047। आपको पॉइंट देना है यहां पे, और जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट इट विल गो टू द पावर ऑफ 10। सो यहाँ पे आएगा 10^9। सो 1.047 इंटू 10^9 दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे करने होंगे कैलकुलेशंस। रिमेंबर बट दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो भी न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, मतलब थोड़ा सा पार्ट हमने यहाँ पे देखा है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल अगेन सी सम मोर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि अगर चैप्टर एंड हो जाएगा
then you have to also take the decision which formula we have to use in the given problem. That's right. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. बाकी का जो भी नेक्स्ट पार्ट है ये हम लोग लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो सी यू एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो स्टूडेंट्स, जो भी कुछ पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व फॉर्म में, उन्हें हमने यहाँ पे वापस सॉल्व किया है. बट रिमेंबर एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल अगेन सी सम मोर ऑफ द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, चैप्टर के एंड में फिर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि विच फॉर्मूला शुड बी एप्लीकेबल फॉर द गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, सो कुछ और प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे करेंगे. रिमेंबर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यू नीड टू यूज लॉग बुक प्रॉपरली एंड यू हैव टू यूज इट वेरी फास्ट. ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.